चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है, वैश्विक स्थिति के बारे में क्या कहा गया है, रिपोर्ट के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, साथ ही ये रिपोर्ट किस आधार पर तैयार की गई है इत्यादि चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये विषय चर्चा में क्यों है। ये विषय चर्चा में इसलिए है कि ये रिपोर्ट अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पर जारी की गई थी। इस रिपोर्ट को यूएन की संस्था सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है और 2021 के लिए जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में फिनलैंड पहले स्थान पर रहा है और इस रिपोर्ट के अंदर टोटल 149 देशों की रैंकिंग की गई है, जिसमें भारत को 139th रैंक इसमें प्राप्त हुई है। अब हम बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा विस्तार से। ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के नाम पर जारी की जाती है और इसमें ग्लोबल हैप्पीनेस का आंकलन किया जाता है, यानी कि इसमें देखा जाता है कि विश्व में लोगों की खुशहाली का स्तर क्या है। इसके अंदर जो प्रथम रैंक पाई है फिनलैंड ने, तो इसका मतलब ये है कि फिनलैंड के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले लोगों में शामिल हैं। और इसी तरह से अगर किसी की खराब रैंकिंग है तो वहाँ के लोग खुश नहीं हैं, ये इस रिपोर्ट के आधार पर हम समझ सकते हैं। इस रिपोर्ट में टोटल 149 देशों को लिया गया है और उसमें नागरिकों की खुशी के हिसाब से ही उनको रैंकिंग दी गई है। जो इस बार की रिपोर्ट जारी हुई है उसमें कुछ चीज़ों का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है, जैसे कि इस रिपोर्ट में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि कोविड-19 के क्या प्रभाव पड़े और लोगों ने इस दौरान कैसे रिएक्ट किया और वो कैसे रहे थे इत्यादि, ये सारी चीज़ें भी इसमें देखी गई है। इसके अलावा ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो कि 20 मार्च को आता है उसी पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। अब हम बात करेंगे कि ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट के अंदर किस आधार पर रैंकिंग दी जाती है। सबसे पहले तो अगर हम मोटा मोटी बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP के आधार पर इसमें रैंकिंग दी जाती है। उसके अलावा स्वस्थ जीवन को देखा जाता है। स्वस्थ जीवन में सब कुछ आता है, जैसे कि किसी भी देश में नागरिकों की हेल्थ क्या है, वहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा है, लोगों में कम्युनिटी में आपस में संबंध कैसे हैं, वहाँ के लोग टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसके अलावा स्वतंत्रता कैसी है, चुनने की आज़ादी क्या है, उदारता क्या है, कितनी लोगों को मिली हुई है, इस आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है और इन सभी आधारों पर नागरिकों से राय पूछी जाती है। हैप्पीनेस जो स्टडी है वो दुनिया के देशों को गैल्प वर्ल्ड पोल के सवालों के आधार पर रैंकिंग करने के लिए कहता है और इसी आधार पर ये रैंकिंग होती है। और इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं कि GDP और सामाजिक सुरक्षा लोगों की कितनी है, सामाजिक स्तर कितना है, जीवन शैली कैसी है, जीवन स्तर कैसा है, इन सारे आधारों पर ये रैंकिंग दी जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि सर्वे में शामिल लोगों को 1 to 10 पॉइंट के बीच में रैंकिंग दी जाती है। जिस देश को जितने ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं उसकी रैंकिंग उतनी ही अच्छी होती है। इसका मतलब है फिनलैंड को इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हासिल हुए हैं। तो इसमें 1 to 10 अंक के अलावा ये भी देखा जाता है कि लोगों में पॉजिटिव इमोशंस कैसे हैं, यानी कि सर्वे वाले दिन लोग खुशी, हंसी, आनंद को कैसे महसूस कर रहे थे, कितना खुश थे, और नेगेटिव इमोशंस भी देखे जाते हैं, यानी कि सर्वे वाले दिन लोगों के बीच में चिंता, दुख और गुस्से का भाव कितना ज़्यादा था। और इसके अलावा जीवन स्तर, GDP, सामाजिक सुरक्षा, चुनने की आज़ादी, उदारता, जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, इस सारे आधार पर यह सर्वेक्षण किया जाता है। इस रिपोर्ट में जो रैंकिंग दी जाती है और उसके लिए जो सर्वे किया जाता है उसमें ये सब बातें भी देखी जाती हैं कि मान लीजिए किसी समाज में, किसी देश में किसी इंसान ने कुछ गलत काम कर दिया तो उस गलत काम का रिएक्शन कितना हुआ, लोगों ने उस पर कैसे रिएक्ट किया, उसको समर्थन कितना मिला, उसको सहानुभूति कितनी मिली इत्यादि, या किसी ने स्वतंत्रता का रास्ता चुना तो उसके समाज ने उसके साथ किस तरह का बिहेव किया, क्या मोटिवेट किया गया या डीमोटिवेट किया गया, इन सभी आधारों पर इसमें रैंकिंग दी जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे वैश्विक स्थिति के बारे में। हम ये पहले ही बात कर चुके हैं कि फिनलैंड इसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, लेकिन ये चौथी बार हुआ है। लगातार 4 बार फिनलैंड इस सूचकांक में पहले स्थान पर आ चुका है। नॉर्डिक राष्ट्र के बाद आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड
और स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे भी शीर्ष देशों में शामिल हैं। अगर शीर्ष देशों की हम बात करें तो सारे देश हमें जो है यूरोप में दिखाई देते हैं। शीर्ष में से टोटल 8 देश जो हैं हमें यूरोप में दिखाई देते हैं, और जो दो टॉप 10 में दो देश जो हैं हमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से हमें दिखाई देते हैं, यानी कि इन दो जो है महाद्वीपों में स्थिति अच्छी है। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो पहले स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर इसमें डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर इसमें स्विट्जरलैंड है, और चौथे स्थान पर आइसलैंड इसमें आता है। अगर हम बात करते हैं दुनिया में खुशहाली के सबसे निम्न स्तर की, तो इसके अंदर अफ्रीका डोमिनेट कर रहा है, यानी कि अफ्रीकी कंट्रीज़ की स्थिति बहुत बुरी है। इसके अलावा 3 देश हैं जो कि एशिया में पड़ते हैं। अगर हम टॉप 10 की बात करें नीचे से, तो सबसे ख़राब स्थिति अफगानिस्तान की है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो 148th रैंक पे जिम्बाब्वे आता है। भारत की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है, 139th रैंक इसमें है, और अफगानिस्तान, भारत और यमन ये 3 देश जो हैं एशिया से आते हैं, बाकी सारे अफ्रीका में पड़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि वैश्विक स्थिति में बाकी देशों के बारे में क्या कहा गया है। जैसा कि अमीर देशों में सबसे अच्छी स्थिति में हम लोगों की नज़र में माना जाता है अमेरिका, लेकिन इस रैंकिंग में अमेरिका को 19वां स्थान दिया गया है। कुल मिलाकर इस इंडेक्स में पिछले साल कोविड के प्रभावों को भी शामिल किया गया है, और कुछ खुशहाली के हर स्तर को शामिल करते हुए ये आंकलन इसमें किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि सतत विकास समाधान नेटवर्क, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के बारे में कि क्या है, कैसे काम करता है इत्यादि। ये संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में कार्य करता है, और इसका काम यही है कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करने के लिए प्रयास करता है कि जो विकास हो वो सस्टेन करे, वो बना रहे, इस पे ये काम करता है। इसके लिए ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनाता है, और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों की भी सहायता लेता है, और ये सतत विकास लक्ष्यों पे काम करता है, जो कि 17 लक्ष्य हैं 2015 से 2030 के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए भी ये काम करता है, और इसके साथ ही पेरिस जलवायु समझौते का कार्यान्वयन भी इसमें शामिल है, ये सारे कार्य ये करता है। इसी के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थानों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के साथ मिलकर काम करता है, यानी कि इन सारी संस्थाओं के साथ मिलकर वो ये सारे काम करता है, सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने का काम करता है, और पर्यावरण को बनाने का भी काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आज के प्रश्न को। आज का प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 की सूची में भारत को 149 देशों में से 140वें स्थान पर रखा गया है। कथन दो, वार्षिक रिपोर्ट प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, स्वस्थ जीवन और नागरिकों की राय के आधार पर देशों को रैंक करती है, यानी कि देशों को रैंक देती है। उपरोक्त में से सत्य कथन है, विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा, आप अपने उत्तर अवश्य दीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न को। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि उपरोक्त में से असत्य कथन कौन सा है। ये जो सवाल था इसमें दो कथन थे, तो इसका आंसर है बी, यानी कि कथन नंबर दो जो है वो गलत है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है, और इसमें जो अब संशोधन की बात हो रही है 2020 में भी, तो यहाँ पर आवश्यक वस्तु को तय करने का जो ये इससे रिलेटेड शक्तियाँ हैं वो राज्य सरकार की नहीं होती है, केंद्र सरकार की होती है। हाँ, केंद्र इस पे राज्य का परामर्श अवश्य लेता है, लेकिन ये कार्य केंद्र सरकार का ही होता है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। इस वीडियो और हमारे अन्य वीडियो से संबंधित PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर सारे PDF उपलब्ध हैं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।